खबर रीवा मध्य प्रदेश से है। दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे नेता विपक्ष गोविंद सिंह ने साध्वी प्रज्ञा के बयानबाजों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों सीढ़ी कांड की सियासत गरमाई हुई है। अब इस सीढ़ी कांड में भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एंट्री की है। अपनी एंट्री करते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को करारा जवाब देते हुए कहा कि जल्द से जल्द नेता विपक्ष गोविंद सिंह के काले कारनामों को उजागर करेंगे। मैं उनको चुनौती देता हूं और तो वो लाहरगी हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है कहें, करें, वो खुशी की बात है। मैं उनका स्वागत करूँगा, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, जिसका जो विश्वसनीय नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात करें।